संदिग्ध परिस्थितियों में हौज में तैरता हुआ मिला शुगर मिल कर्मचारी का शव, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बने शुगर मिल कर्मचारी की संदिग्ध हालत में शव मिला। हौज में तैरता हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप। आपको बताते चले, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सुबह को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर में दीवान शुगर मिल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शुगर मिल कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव शुगर मिल में मैली जमा करने वाले हौज में तैरता हुआ मिला। शव की सूचना पर मौके पर सिविल लाइन पुलिस भी व परिजन भी वहां पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। यहां बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर स्थित दीवान शुगर मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में शुगर मिल कर्मचारी अरमान अली 24 वर्षीय का शव शुगर मिल में बनी पानी की हौज में तैरता हुआ मिला। शव मिलने से मिल में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव की सूचना परिजनों को लगी तो परिजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने अरमान के शव को पानी की हौज से बाहर निकाला और पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला हुआ है लड़के, क्या मामला है? ये मामला, यहाँ ड्यूटी करता था, इस पर नौकरी करता था मिल के अंदर। क्या नाम था इसका? इसका अरमान अली। पापा का क्या नाम है? छोटे। छोटे कितने समय से काम करता था यहाँ? ये काफी 4-5 साल से काम करता था यहाँ फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, कब से गायब था ये? कल 12:30 बजे से यहाँ से लापता है। मतलब ऑन ड्यूटी पर सर? हाँ, ऑन ड्यूटी से। परिजनों को कैसे पता चला? परिजनों को जब इन्होंने फोन किया था तब हम यहाँ लोग आए, इनसे मालूमात करी। इन्होंने कहा कि उसका कोई पता नहीं, और ये बताया कि वो कहीं चला गया बात करता हुआ। हमने यहाँ तलाशी भी करी, तलाशी ली सब, इसकी जो बने हैं ये पानी के गड्ढे, इसमें मिल नहीं पाया वो। अच्छा, और कैसे पता चला कि बॉडी यहाँ पर है? अब इन्होंने सुबह 7 बजे फोन किया हमें कि बॉडी इसमें पड़ी है। हमने कहा भाई जब कल नहीं थी, हम देख के गए, तो फिर आज कहाँ से आ गई? फिर फोन जो है उसका रात के 2 बजे फोन खुला, फिर सुबह खुला। अब उसका ये पता नहीं चला कि वो फोन है किस पे। अगर वो गड्ढे में गिरता तो फोन भी उसमें गिर जाता। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, जैसे डेड बॉडी गई है, यहाँ के आपके परिजनों की या गांव वालों की, मिल वालों से कुछ वार्ता हुई है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसकी एक नौकरी देंगे और वो देंगे। हम जो है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें वो मुलजिम चाहिए जो जिसने घटना करी है। अभी कुछ नहीं, आश्वासन दिया है। अच्छा, जैसे जिले के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिया कि हम मदद करेंगे, चेक देंगे और जो है नौकरी देंगे। अभी ये नहीं क्लियर कर पाए। अच्छा, नाम है आपका? मासूक अली जी, कहाँ के रहने वाले थे? सायखयूं। ये जो लड़के का मामला हुआ, क्या मामला था? लड़का यहाँ ड्यूटी करता था और इससे 2-4 दिन पहले इन्होंने धमकी दी साहब ने। अच्छा, क्या धमकी दी थी? यहाँ से ड्यूटी छोड़ देती, ड्यूटी छोड़ी नहीं। अच्छा, जैसे कि यहाँ अभी गांव वालों से पता चला कि कुछ समय पहले 2-4 साल पहले यहाँ पे इसके पापा की भी मौत हुई थी। जी, यहाँ मौत 2 साल हो गए। उन्हें कुछ नहीं दिया। क्या नाम था उनका? छोटे उर्फ टाटा। अच्छा, ये बताइए कि एक ही परिवार के 2 आदमी इसी मिल में काम करते, दोनों की यहाँ पे हत्या हुई है, इसको गाँव वाले आप किस नज़र से देख रहे हैं? गाँव को तो सही देखते हैं। नहीं, जैसे यहाँ इसको आप जो मर्डर हो गए दोनों के दोनों की, क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहीं परिजनों ने अरमान की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। सर, अगवानपुर दीवान शुगर मिल में एक कर्मचारी की मौत हुई है, क्या मामला है, क्या जांच में पाया गया? ये थाना सिविल लाइन्स में पड़ने वाले चौकी अगवानपुर में दीवान शुगर मिल में आज सुबह खबर मिली थी कि एक व्यक्ति जो है उसकी डेड बॉडी मिली है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची और वहां पे यह पता लगा कि यह व्यक्ति एक दिन से गुमशुदा था, और इसके बारे में जब बॉडी को पंचायतनामा किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और आगे की आवश्यक जो भी कार्रवाई है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर मिलने पर जो भी मामला निकल के आएगा उसकी विवेचना की जाएगी और गुणदोष के आधार पर इसका निस्तारण किया जाएगा। सर, मृतक के परिजनों का आरोप है कि हत्या का आरोप लगा रहे हैं वो, इस संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है, पोस्टमार्टम के द्वारा ये पता लगेगा कि
किन अवस्थाओं में और किस वजह से इसकी मृत्यु हुई। मृतक क्या उस दीवान सुगर मिल में कार्य करता था? इस संबंध में इनके परिजनों का कहना है कि ये यहाँ पे सफाई का काम करता था। इसके लिए इसके आधिकारिक तौर पर जो विवेचना के दौरान यह पता लगे कि वो किस क्या वो शुगर मिल में नियुक्त था या नहीं था, इससे ऑफिशियली जो शुगर मिल से हम पता करेंगे उसके बाद हम इस पर कमेंट कर सकते हैं।